एक गांव में एक किसान रहता था जिसमें दो बेटे थे। वह आलसी और किसान निकम्मे थे। दोनों ही पिता के साथ हाथ नहीं बंटवाते थे, ना कोई काम करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। किसान ने अपने बेटे के बहुत फिक्र थी। वह सोचता था कि मेरे बेटे मरने के बाद क्या होगा, इन दोनों का वह कैसे पेट भरेंगे और मेरे परिवार को कैसे संभाल पाएंगे, इतने में उसके परिवार का कैसे हो पाएगा। किसान के मरने की हालत में था। तभी दोनों को बुला कर कहा कि हमारे खेत में खजाना गड़ा हुआ है, इस तरह से वह जगह खोदेंगे तो खजाना निकल आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इतने में किसान भगवान को प्यारे हो गए और वो दोनों ये बात सुनकर दोनों ही खुदाई करने के लिए खेत में चले गए। खुदाई शुरू कर दी। वह सोचने लगे, खुदाई शुरू करके अपने घर जाकर बैठ गए। फिर अपने पिता को कोसने लगे। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और किसानों ने बेटे के पास पेट भरने के लिए वो सिर्फ एक ही जरिया है वह खेती। उसे अभी किसानों की तरह खेत के बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा पानी का आगमन हुआ, खुश हुए और देखते देखते खेत के रहने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा में झोंके की लहर रहा था। यह देखकर किसान के बेटे खुश हुए और उनको समझ में आ गया कि परिश्रम की सदाई धन है। और फिर अपने ही पिता को समझ में आ गया कि वो क्या चाहते थे और क्या है।